उत्तर प्रदेश राज्य की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य चर्चाओं में छाई हुई है। इनके पति की ओर से इन पर लगाए गए बेवफाई के आरोपों के बाद देश में बड़ी हलचल देखी गई। कई कोचिंग संस्थानों से तो ऐसी महिलाओं का नाम तक काट दिया गया जिनके पतियों ने उन्हें प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए भेजा था। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्होंने खुद सफाई कर्मचारी रहते हुए उन्हें मेहनत से पढ़ाया और जब वो कामयाब हो गई तो किसी और के साथ संबंधों में आ गई और इनको धोखा दे दिया। एसडीएम ज्योति मौर्य का नाम होमगार्ड विभाग के कमांडेंट मनीष दुबे के साथ जुड़ रहा है, जिनकी कथित चैट को भी आलोक मौर्य ने सार्वजनिक कर दिया था। इन्हीं सब विवादों पर अब उत्तर प्रदेश की लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ भी बोल पड़ी हैं। नेहा सिंह राठौड़ अलग अलग मुद्दे पर अपने व्यंग और खास तौर से राजनीतिक आलोचनाओं से भरे भोजपुरी गीतों के लिए जानी जाती हैं। इनके नाम और इनके गाने की चर्चा कई बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेताओं की बहस के दौरान भी हो चुकी है। नेहा सिंह राठौड़ ने अब एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच छिड़े विवाद पर खुलकर अपनी राय रखी है। नेहा सिंह राठौड़ ने कहा कि आलोक मौर्य अपने व्यक्तिगत जीवन की बातें खुलेआम सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच रो रो कर रख रहे हैं। उनकी एक तरफा बातों से जाहिर है लोग सहानुभूति भी जता रहे होंगे, लेकिन लोगों को संबंधों की बुनियाद को भी देखना चाहिए। सिंगर नेहा सिंह राठौड़ ने खास तौर से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के शादी के कार्ड का जिक्र करते हुए कहा कि इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जब आलोक की शादी हुई तो वो कोई ग्राम विकास अधिकारी नहीं थे, बल्कि तब भी सफाई कर्मचारी ही थे। नेहा सिंह राठौड़ ने कहा कि जिस संबंध की बुनियाद ही झूठ पर रखी गई हो, वो संबंध आखिरकार कितने दिनों तक चल सकता है। हालांकि नेहा सिंह राठौड़ शादी के जिस कार्ड का जिक्र कर रही है उस पर ज्योति मौर्य की प्रोफाइल पर भी अध्यापिका लिखा गया है, जबकि उनके पति आलोक मौर्य ये दावा कर चुके हैं कि ज्योति मौर्य कोई अध्यापिका नहीं थी। खैर, पति पत्नी और वो में आलोक मौर्य न्याय पाने के लिए भटक रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी पत्नी अब उन्हें डर दिखा रही है, जबकि उनके बच्चों से भी उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। उनकी दो जुड़वा बेटियां हैं जिनकी उम्र करीब 10 साल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।